दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन? जनचौक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। आज पूरे देश के अंदर बड़े हिस्से में आग लगी हुई है और ये आग जो है अग्निपथ ने पैदा की है। सरकार ने कल इसकी घोषणा की और उसकी आग आज पूरे देश में फैल गई। शायद ही देश का कोई हिस्सा हो जिससे आज प्रभावित ना हो। बिहार सबसे ज्यादा है और बताया जा रहा है कि वहां कैमूर और छपरा में ट्रेनें जला दी गई हैं। इसके अलावा सहरसा, नवादा, सासाराम से लेकर कोई हिस्सा शायद बचा हो। और यह जो है नेताओं के दामन तक भी पहुंच गई है। वहां नवादा में एक जो है बीजेपी एमएलए हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। और जो नवादा की पार्टी ऑफिस है, दफ्तर है बीजेपी का, उसको जला दिया गया है, जलाकर खाक कर दिया गया है। जो उसकी तस्वीरें आई हैं, अंदर आग लगी हुई है, सारी कुर्सियां टूटी हुई, कुछ बचा नहीं है सबूत। और यह मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, उत्तर प्रदेश में बलिया, बदायूं में प्रदर्शन हुए हैं, उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा वहां से फौजी शामिल होते हैं। इसके साथ नांगलोई में, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, वहां से खबर आ रही है। और इससे भी ज्यादा हरियाणा प्रभावित हुआ, वहां तो हवाई फायरिंग हुई है रेवाड़ी में। और रोहतक में एक छात्र ने जो तैयारी कर रहा था भर्ती की, उसने आत्महत्या कर ली है। और पलवल में कहा जा रहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, इसका आदेश जारी हुआ है। राजस्थान के कई इलाकों में, झुंझुनू से लेकर जोधपुर और जो उधर जैसलमेर के इलाके हैं, कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, उसमें कई पार्टियों ने उसकी अगुवाई की है। तो कहा जा सकता है घोषणा होने के दूसरे ही दिन जो छात्र भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसको खारिज कर दिया, इसको नकार दिया। ये मामला सिर्फ जो है ये नहीं है कि एक घोषणा हुई स्कीम की, उसमें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ जाता है। जो देश की सुरक्षा का जो तंत्र है, सेना, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ जाता है। लिहाजा सिर्फ जो है कुछ लोग रोजगार का नहीं है, बल्कि पूरे देश और उसकी सुरक्षा से जुड़ जाता है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पर गंभीर बातचीत होनी जरूरी हो जाती है। तो इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हम लोगों के सामने जो पास है उनसे परिचय कर लिया जाए। शशिकांत जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर आगरा कॉलेज से इस समय मौजूद है हम लोगों के पास। फिर एक बार जगदीप सिंह सिंधु जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई जो है जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको इन्होंने खड़ा किया है और छत्तीसगढ़ से लेकर के हरियाणा, हिमाचल तमाम क्षेत्रों की गहरी जानकारी रखते हैं। कृष्णकांत जी हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, इंडियन एयरफोर्स से पायलट रहे हैं और VRS इन्होंने ले लिया और सीधे जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले से। लिया जाए इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी आपकी। प्रोफेसर रविंदर गोयल जी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये चार मेहमान हैं मेरे साथ, इन चारों से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कृष्णकांत जी से। कृष्णकांत जी, कल घोषणा हुई है, सरकार ने घोषणा की, वो जो है इस तरह की एक नई पॉलिसी ले आई है अग्निपथ की, और अग्निवीर जो है पैदा करेगी, अग्निवीर को रिक्रूट करेगी, उनको बनाएगी, और दूसरे दिन ही इतना बड़ा जो है प्रदर्शन पूरे देश के अंदर खड़ा हो गया है। तो इस घोषणा को, इस प्रदर्शन को किस रूप में देखते हैं, आपकी पहली टिप्पणी। धन्यवाद पहले तो मुझे इस मंच पे मौका देने के लिए। साथियों, मैं ये बताऊं कि यह अग्निपथ या इसमें शामिल होने वाले अग्निवीर जो होंगे, इसकी परिकल्पना कुछ वर्षों पहले भी की गई थी और पहले CDS ने ही टूर ऑफ ड्यूटी बनाया था। हालांकि इस नाम से शायद उन लोगों को थोड़ा गड़बड़ लगा होगा और उसमें 3 वर्ष का समय दिया गया था, जबकि अब इसमें 4 वर्ष कर दिया गया है। बाकी तकरीबन वही है, शायद कुछ पे बढ़ा दिया गया हो, पेंशन वगैरह अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। जहां तक इसकी बात है, ये भी मैं बताऊं, इसकी चर्चा हर चैनल पर मैंने देखा है और साथ साथ जितने भी वेटरन्स हैं जो सर्विस में हो, तो खैर कुछ नहीं बोल सकते हैं, रिटायर्ड फौजी जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे वो अफसर हो या JCO हो या जवान रहे हो, उस सबके मन में दुविधा ही नहीं बल्कि अधिकांश लोगों ने खारिज किया है। और आश्चर्य का यह भी विषय है कि वैसे लोगों ने खारिज किया है जो भाजपा के समर्थक रहे हैं। उनका कहना यह है कि 4 साल में ट्रेनिंग का पीरियड तुमने, बेसिकली 1 साल दिया जाता है इन जवानों को, उसको तुमने घटा के 6 महीना कर दिया। मान लिया कि ये स्पेशल लोग हैं, ये सीख जाते हैं, फिर भी एक खास तरह के, केवल यदि जवान की बात करें जो पैदल सेना होते हैं, उनके लिए भी 6 महीने की ट्रेनिंग काफी नहीं है। लेकिन जहां भी, जैसे आर्टिलरी, तोप जिसे हम कहते हैं, टैंक कहते हैं,
नेवी में, एयरफोर्स में फ्लाइंग या मिसाइल्स होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, एयर डिफेंस के होते हैं, रेडार होते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, पनडुब्बी है नेवी में, उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए और एक सही में उस अस्त्र शस्त्र के साथ, उस वेपन के साथ एक हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि वह 3 से 4 साल 5 साल लगे। जब तक वह सीखता है, जब तक उसकी प्लाटून कंपनी उसे सिखाती है, तब तक उसके बाहर जाने का समय आ जाता है। मुख्य रूप से यह है, इसलिए हमारे जो फौजी हैं, खासकर जो रिटायर्ड हैं, जो बोल सकते हैं, वह ऐसे परेशान है। उन्हें यह साफ दिख रहा है कि यह बहुत गड़बड़ हो रहा है। अभी तक तकरीबन 25% लोग आते थे नए और बाहर जाते थे, अब यह उल्टा हो जाएगा, 75% नए आएंगे। यानी जो पहले अनुपात था 1 और 3 का, यानी एक ट्रेंड आर्मी था जिसके अंदर 3 अनट्रेंड होते थे, नए होते थे जिन्हें सिखाया जाएगा, अब वह 1:6 हो जाएगा। अब अनुमान लगा सकते हैं, जैसा मैंने अभी तोप का उदाहरण दिया, कि ये बंदा जिसे भी नया नया सिखाया गया है और वह अपने प्लाटून या कंपनी को लेकर जाता है, वह खुद की सुरक्षा करेगा या उस तोप को, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको फायर करने की जब तक पोजीशन में आएगा तब तक वो शायद बेचारा मारा भी जाएगा। तो शुरुआती मैं यहीं से करता हूं, बाकी हम इसके पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और बाकी जो इसके असर हैं उस पे हम फिर बातें करते हैं। जी जी, तो हम चाहेंगे 2-2 मिनट में, अभी क्योंकि ये बड़ा मसला बन गया है, कल घोषणा हुई, आज आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर नौजवान, तो 2-2 मिनट में इस पर क्या कहना है हमारे मेहमानों का, वो बोले। सचकांत जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर हम लोग पिछले बजट की बात करें तो उसमें ही स्पष्ट हो गया था कि ये सरकार डिफेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की नींव रख रही है। एक बात आई थी और अखबारों में ये बात प्रमुखता से छपी थी कि इस बजट में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की भूमिका बढ़ने वाली है, और ये तभी हो सकता है जब रेगुलर आर्मी में और मैन पावर पर एक्सपेंडिचर कम किया जाए और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस आर्मी की बढ़ाई जाए, ऐसा सरकार का मानना था। और ये स्पष्ट लग रहा था कि रक्षा क्षेत्र में जो ह्यूमन रिसोर्स पर या सैनिकों पर जो होने वाला खर्च है उसको सरकार कम करेगी। अभी बताया कृष्णकांत जी ने, ये बतलाया कि कैसे रेशियो को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है और ए टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर शॉर्ट सर्विस की बात की जा रही है। यद्यपि उन्होंने जो पहले CDS थे बिपिन रावत, उन्होंने ये भी कही थी कि जो स्थायी लोग हैं उनकी सेवा अवधि 36-37 से बढ़ा करके 58 से 60 साल किया जाए, क्योंकि 37-38 की आयु में उनको दोबारा बाजार में, मार्केट में जॉब ढूंढने में परेशानी होती है, तो एक सिक्योरिटी। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर एंगल से देखें तो इसका सवाल सीधे तौर पर जो नया फ्रेमवर्क, जो डिफेंस का फ्रेमवर्क इवॉल्व कर रहा है और जो कि इनके एक तरह से प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करने की दिशा में ये बढ़ रहे हैं। लोग ये कह भी रहे हैं कि ये जो 4 साल की सेवा करने के बाद जो बाजार में आएंगे ये युवा, वो क्या करेंगे। यद्यपि सरकार ने घोषणा की है कि विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको स्टार्टअप्स करने की छूट दी जाएगी, उनको डिग्रीज दी जाएंगी, ओपन यूनिवर्सिटी से उनको एजुकेशन कराया जाएगा, ऐसे तमाम डिक्लेरेशंस कल से लेकर के आज तक, और कुछ मैं देख रहा था कि कुछ फैक्ट्स के लेकर के डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं, लेकिन वो अपर्याप्त हैं। असली बात यह है कि सरकार पूरी तरह से डिफेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन को बल देने के लिए, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक बड़ा बजट का हिस्सा है, हम जानते हैं कि वो उसका एक बड़ा हिस्सा साइफन किया जाना है, इसलिए रेगुलर फ्रंट्स पर, खासतौर से मैन पावर पर वो खर्च कम करना चाहती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारा भारत एक तरह से दो तरफ से एक मजबूत बॉर्डर से युक्त देश है, जहाँ की एक स्ट्रॉन्ग मैन पावर की प्रेजेंस की जरूरत होती है। तमाम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस के बावजूद भी 1-to-1 फिजिकल प्रेजेंस की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसे में वास्तविक जनसंख्या, सैनिक आबादी को कम करना और उसको 2-3-4 साल के लिए बना देना, पूरे रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने की एक तरह से दिशा में बढ़ना होगा। मेरा अनुमान है कि ये बहुत ही खतरनाक कदम है, और केवल रोजगार की दृष्टि से ही नहीं, रक्षा की दृष्टि से, भारत की रक्षा की दृष्टि से ये कदम बहुत ही खतरनाक है। जगदीप जी, अगर आपसे पूछे ठोस सवाल, ये किस तरह से जो है सेना को और पूरी सुरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने जा रहा है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जहां तक भारत की रक्षा की गरिमा का सवाल है और इसके शौर्य का सवाल है, इसको बिल्कुल हम
नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत ने विगत में इतिहास में हमेशा से अपने शौर्य की जो गाथाएं हैं वो अपने अपने साहस शौर्य और बल की गाथाएं उसने इतिहास में दर्ज की हैं, और ये भारतीय सैनिकों की अपनी गरिमा रही है, अपना एक निष्ठा रही है, और वो अपने देश की भूमि के प्रति भी रही है और अपने अपने समाज के प्रति भी रही है, अपने देश के नागरिकों के प्रति भी रही है। जहां तक मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से आज ये सभी प्रदेशों में जगह जगह ये युवाओं में जो असंतोष उभरा है, ये जो एक जज्बा है, ये उस जज्बे के कहीं हर्ट होने के कुछ ऐसे संकेत भी दिखाई देते हैं। नौकरी की आवश्यकता हर किसी को है, नौकरी आवश्यक है क्योंकि उनको अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करना होता है, लेकिन जहां तक सैन्य सेवाओं की बात है, सेना में भर्ती होने की बात है, ये एक तरह से अपने जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हर कोई व्यक्ति उसको अपने एक सम्मान के रूप में मानते हुए आगे देश के लिए बढ़ना चाहता था, चाहता है और चाहते रहे। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जिस तरह से ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो जिसको कह लीजिए कि एक अनुबंधात्मक जो ये प्रक्रिया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि जो जो एक आधारभूत आर्मी के लिए सेना के लिए आधारभूत जो जरूरतें होती हैं उनको ये पूरा कर पाएगा और उस तरह से पूरा कर सकता है। मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए आए हैं अमरजीत कुशवाहा जी हैं। मेरी आवाज आ रही है अमरजीत जी आपको? अनम्यूट कर लीजिए, रुकिए रुकिए मैं अनम्यूट करता हूं। मेरी आवाज आ रही है अमरजीत जी आपको? जी जी आ रही है। देखिए आप सिवान से, आज सिवान में भी जो है वहां प्रदर्शन हुआ है, छात्र नौजवान सड़कों पर उतरे थे, वहां की रिपोर्ट बताएंगे आप क्या हुआ है? आज सुबह से ही हजारों के संख्या में छात्र नौजवान सड़कों पर उतर गए थे। सिवान का जेपी चौक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मेन प्लेस है, वो सुबह से ही छात्रों ने जाम कर दिया था। वहां पर आगजनी की भी घटनाएं हुई है, उसके बाद छात्रों का बड़ा हुजूम आर्मी में ठेका के सवाल को लेकर के जबरदस्त रूप से रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हुई है जो लगातार संध्या करीब 4 बजे तक चलते रहा। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारी आक्रोश आज नौजवानों में सिवान में देखी गई, इस तरह के एक रिपोर्ट है। और हम समझ रहे हैं कि ये पहली बार हमारे देश के सेना में ये जो सरकार है इस प्रथा को लागू कर रही है। एक तरह से हमने देश को बेचते हुए देखा, अडानी और अंबानी के हाथ देश के सारे संपत्ति को नीलाम करते देखा, पूरे चीजों को ठेका पर देते हुए देखा, लेकिन जो हमारा देश का सबसे सेंसेटिव क्षेत्र है, जहां से देश की सुरक्षा जिस पर निर्भर करता है, उस क्षेत्र को भी आज हम देख रहे हैं कि ठेका पर बेचने की कोशिश, मैंने उस पद को ठेका पर लाया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और हमारे देश के छात्र नौजवानों ने इस सरकार को बहुत सही दिशा में चुनौती देने का काम शुरू किया है। अमरजीत जी बिहार में और जगहों पे कहां कहां प्रदर्शन हुए, कुछ रिपोर्ट हो तो? बिहार के पटना में भी प्रदर्शन हुए हैं और बिहार के विभिन्न जिलों से भी जो कल ही से रिपोर्ट आ रहे हैं कि जगह जगह छात्र नौजवान सड़कों पर उतर गए थे। कल भी कई जगहों पर छात्रों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, सड़कों पर आगजनी किया है और एक जबरदस्त पोटेंशियल के साथ ही मूवमेंट जो है बिहार में बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और आगे बढ़ने की संभावना भी दिख रही है। जी। रविंदर गोयल जी मैं आपके पास आऊंगा। ये जो पूरा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, पूरा जो सेना का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वो सेना जो स्थायी रहती थी 12.5 लाख फौजी,
जो स्थायी तौर पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे और वेल ट्रेंड हुआ करते थे, हर तरह की उनके पास ट्रेनिंग हुआ करती थी, उसमें लगातार उन्नयन होता था मौके मौके पर। अब जब ये अनुपात हो जाएगा जैसा कि कृष्णकांत जी बोल रहे हैं, 25% जो स्थायी होंगे, 75% जो है वो जो अस्थायी होंगे, वो जो इस हिस्सा है जो 4 साल बाद बदलता रहता है, और एक सेना ऐसी सेना हो जाएगी जो कि किसी भी रूप में सक्षम नहीं होगी। ये जो सुरक्षा का सवाल है जो बीजेपी सबसे ज्यादा उठाती रही है, आज उसी से समझौता नहीं कर रही है क्या, इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? जी देखिए, मैं जो है, माफ कीजिए, मैं कोई डिफेंस को होली काउ नहीं समझता हूँ। ये मामला सुरक्षा से कम और ज्यादा बेरोजगारी के सवाल पर इस देश के नौजवानों से धोखा है, क्योंकि पहले जैसे आपने बताया कि मिलिट्री की जो फिक्स रिक्रूटमेंट थी वो हर साल हर देश के हर हिस्से से हुआ करती। 2 साल पहले भी इन्होंने टेस्ट लिए थे, फिजिकल टेस्ट लिए थे, और उनको कहा था कि एक बार पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो हम आपको भर्ती करेंगे। उसको हटा करके अब ये जो है, ये ठेका प्रथा जो ले आई है, ये कुल मिला जुला करके एक जो कहते हैं ना कि घाव के ऊपर नमक छिड़कने जैसी बात है। 2 साल तो आपने पहले भर्ती हो गया, 2 साल का गैप है, तो होना चाहिए था भर्ती। इस पर बहस हो सकती है डिफेंस में कितना खर्चा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ गंभीर लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए, लेकिन उससे अलग हट करके आज तक जो आश्वासन आपने दे रखा था, आज तक जो एक थी पूरे देश के नौजवान तैयारी करते थे कि वो फौज में जाएंगे, वो जो आश्वासन दे रखा था उस आश्वासन से मुकर करके आपने ये जो ठेका प्रथा लागू की है, इसको लोगों ने अपने साथ एक धोखा समझा नौजवानों ने, और बिहार के अंदर जो हो रहा है पूरे देश के अंदर फैलेगा। मेरा अपना ख्याल है, जैसे अभी बताएंगे हमारे सिंधु जी के रेवाड़ी में जुलूस हुआ है, हरियाणा में जुलूस हुआ है, राजस्थान में जुलूस हुआ है, जो लोग उम्मीद बनाए हुए, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ये गुस्सा इस बात का इजहार है कि जो लोग ये उम्मीद बनाए हुए थे कि वहां तो हमको नौकरी मिल सकती है, उसमें कटौती करके इस ठेके की व्यवस्था को ले आए हैं। पहले जो जवानों को भर्ती किया जाता था वो 15 साल के लिए भर्ती किया जाता था, अब ये 4 साल का ठेका करके नौजवानों की उम्मीद और औरों के साथ जो धोखा किया है, ये गुस्सा इसका इजहार है। और इस सवाल पर आज वरुण गांधी भी, भाजपा के भीतर से भी कई लोग बोल रहे हैं। जी जी, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। जगदीप जी, आपको छूट गया था, आपका पूरा करिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी। मेरा ये कहना है कि ये केवल मात्र ट्रेनिंग का मामला नहीं है, अनुभव का मामला है, और जो भी भारतीय सेना में फौजी है उसको ट्रेनिंग जरूर मिल जाएगी, ट्रेनिंग ले लेता है, लेकिन जो समय वो वहां गुजारता है और जिस प्रकार के अनुभवों से वो गुजरता है, सही मायने में वही उसको फौजी बनाता है और वही उसको सिखाता है कि समाज और देश की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। केवल मात्र 4 साल के समय में वो ना फौजी बन सकता है ना उसको पूरी ट्रेनिंग हो सकती है, एक बात है ना, ये मेरा कहना था। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से ये जो आज ठेका प्रथा की बात की जा रही है, ये ठेका प्रथा अपनी जगह कुछ भी तरीके से इसको इसको परिभाषित कर किया जा सकता है या कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक स्थायी नौकरी की तलाश जो इस देश के युवा वर्ग को थी, उस स्थायी नौकरी की तलाश के बजाय ये अनुबंधात्मक जो एक समयबद्ध, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये 17 साल से लेके 21 साल तक फौज में जो भर्ती करने की बात कर रहे हैं, कौन नहीं जानता कि पहले से ही 18 साल से की उम्र से फौज में भर्तियां होती रही हैं, और फौज में 18 साल की भर्ती करने के बाद 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट की ऑप्शन भी रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में नौकरी में ज्वाइन किया, 20 साल की उम्र में नौकरी पूरी करके, और वो अब दूसरे सेक्टर्स में बहुत अच्छे पदों पे, बहुत अच्छी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ये 4 साल के अंदर अगर मान लीजिए कुछ भी होता है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहां सवाल जो आ रहा है और जो आक्रोश उठ रहा है वो उठ रहा है नीति और नीयत पे। ये सवाल नीति का है और ये नीयत का है। जिस प्रकार से एमएसपी के लिए बोला, जिस प्रकार से एमएसपी के लिए बोला गया था किसानों को कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन लिख के नहीं देंगे, इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसे यहां हो रही हैं। और आज के दिन जितना भी हमारे देश का
पढ़ा लिखा नौजवान है वो स्मार्टफोन यूज करता है, उसके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है और उसके अपने विचार भी हैं, उसके अपने तर्क भी हैं, उसकी अपनी समझ भी है। तो ये आक्रोश जो है या ये असंतोष उनकी अपनी समझ और उनकी अपनी अपेक्षा के धूमिल होने का परिणाम। जी वाईएस गिल साहब, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? फिर मैं दूसरे टॉपिक पर आऊंगा कि ये जो है इसके पीछे जो कुछ मंशा जो है जाहिर की जा रही है उस पर हम बात करेंगे। इस आप बताइए किस रूप में देख रहे हैं? ये जो मामला है सुरक्षा से कम और इकोनॉमी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लोगों में आक्रोश जो है, लोगों में आक्रोश है क्योंकि नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है और जो निचला तबका है थर्ड क्लास फोर्थ क्लास जॉब में जो जाता है वही आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि एक परमानेंट जॉब मिलने का चांस है, इसमें कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलती है और उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत बच्चे रोज दौड़ते हैं, वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं ताकि फौज में भर्ती हो सके। फौज में भर्ती होना एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है निचले तबके के लिए, मैं कहूँगा स्पेसिफिकली निचले तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं, अपर मिडिल क्लास के लिए नहीं। वो जो तबका है जिसको और कोई नौकरी मिलने का चांस कम है, जो टीचर नहीं बन सकता है, जो क्लर्क नहीं बन सकता, वो सिपाही बन सकता है। एक एक उसके पास एक कम से कम एक मौका था कि सिपाही बन के जिंदगी कम से कम अपनी जिंदगी को बेटर बना सकता है और बेहतर अपने अगले पुश्त को बेहतर कर सकता है, तो वो भी मौका खोने इससे बहुत बड़ा आक्रोश इसलिए जो लोगों में है। जो आज जो हमें आक्रोश नजर आ रहा है यूपी में भी, सहारनपुर में भी हुआ है और जगह भी हुआ है, ऐसे इलाके में जहाँ से काफ़ी रिक्रूटमेंट होती है जवानों की वहाँ पर ये हो रहा है। और इसका क्या है कि इसको सुरक्षा को हम जब जोड़ते हैं, सुरक्षा को जोड़ते हैं मिलिट्री के साथ, आर्मी सुरक्षा नहीं करती है, उसके बहुत से पहलू है सुरक्षा के और बड़ी आर्मी होने से ज़्यादा सुरक्षा होती है ऐसी बात भी नहीं है, मगर हमारी हमारे यहाँ जो आर्मी है इतना बड़ा बॉर्डर है मेंटेन करने के लिए, गार्ड ड्यूटीज़ के लिए मेंटेन करने के लिए भी आपको लोग चाहिए और अभी ये क्या है कि सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ताकि पेंशन ना देना पड़े लोगों को, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है, गिग इकोनॉमी जिसको कह रहे हैं वेस्ट में, जो थोड़े दिन के लिए काम करो और घर जाओ, गिग इकोनॉमी, दिस द होल आइडिया। इसमें दो चीजें, दो आशंका जताई जा रही है इस पूरे कहिए तो घोषणा के पीछे। कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है इसके जरिए प्राइवेटाइज करने की कोशिश है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको दे दिया जाएगा, वो लोग पैसा देकर के अपने आर्मी बनाएंगे और जरूरत पड़ने पे कोई भी सेक्टर, वो चाहे सरकार हो या कोई दूसरा, या जरूरत पड़ने विदेश में भी भेजा जा सकता है और इस तरह से प्राइवेट और कॉर्पोरेट के हवाले किया जाएगा पूरे इस सिस्टम को। और दूसरी बात एक कही जा रही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो जो 75% जो यूथ बाहर आएंगे उससे अपने घरों को जाएंगे, फिर रोजगार तो मिलना नहीं, रोजगार तो किसी और को भी नहीं मिल रहा है, वो फिर बेरोजगार होंगे, घरों पर होंगे और उनका जो है आरएसएस अपने जो इस तरह के सांप्रदायिक कामों में, इस तरह का जो अभियान है उसमें इस्तेमाल करेगा और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत इसको देख रहा है। ये जो दोनों पक्ष हैं, हम चाहेंगे कृष्णकांत जी इस पर प्रकाश डालें और इसको फिर इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, किस रूप में देखा जाए इस पूरे प्रकरण को? जी देखिए, बड़ी सही तरीके से इन्होंने कहा साथियों, फौज होली काउ नहीं रहा, न्यायालय तो नहीं रहा, फौज भी नहीं रहा और इसको तबाह करने में इन संघियों ने क्यों ऐसा किया यह सोचना पड़ेगा, लेकिन पीछे नहीं रहे। आप लोगों को यह भी पता होगा कि अब जो नया चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जो तीनों के जो सीनियर मोस्ट हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसी के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में भी बने, बल्कि उनसे जो एक एक पद नीचे हैं लाइक लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के, अब उन तीनों के बीच से भी चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा या सरकार करेगी और उनको सीडीएस बनाएगी इन तीनों के ऊपर लाके। क्या मंशा है कहना थोड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन यह स्पष्ट दिखता है कि जो नकेल फौज के ऊपर इनका था वह और खुलेआम रूप से हो गया है और ताकि जो भी हैं, जो भी चीफ है आर्मी एयरफोर्स नेवी के हैं, वह सीधे की सीधे हाँ सर जी सर करें, नहीं तो आप के ऊपर भी किसी और सीडीएस को बिठाया जाएगा या आपको हटाया जाएगा, यह तो साफ है। जहां तक 70 या 75% जो बाकी लोग आएंगे और यह कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ट्रेंड होगा, यह सब बकवास की बातें हैं। बिल्कुल पहले से भी फौजी जो कि 37, 38 या 40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, बेचारे क्या दिखते हैं मॉल के आगे, सोसाइटी के आगे चौकीदार बन के सेवा करते हैं और मान लीजिए कि 100 नौकरी है तो 100 ही मिलेगा, कितना भी ट्रेंड हो, कितना भी सर्टिफिकेट हो, 101 को नहीं मिलेगा, 100 को ही मिलेगा, यह भी स्पष्ट है। और जहां तक बेरोजगारी का आलम है, पहले 2 करोड़ हर साल लोगों को दिया जा रहा था, अब शायद 10 लाख की घोषणा की गई है, आगे अब पता नहीं इन 25% लोगों के लिए होगा कि नहीं होगा। यहाँ जो हमारी
ये फौज में जो दिख रहा है वह तो खुलेआम है, एडिशन कर रहे हैं, इस पे जो भी खर्च हो रहा है उसको पूरी तरह घटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीछे लोग हैं भाई। लेकिन यह तो साफ है जो टॉप है जिस जिस वह इसके पीछे नहीं है, हरकत हो ही बड़े वैसे कैपिटलिस्ट हैं तो नहीं चाहते कि उनसे टैक्स लेकर सरकार चला जाए, और नजर आ रहा है कि फौज के ऊपर कैसे खर्च कम किया जाए, चाहे उनका पे हो, पेंशन हो, सिटिंग पार्ट हो, जैसा भी हो, असर क्या होगा हमारे साथी ने इसकी बात की थी। लेकिन जो चार पांच साल के बाद जो बात हमारी नजर आने वाली है, क्या जो नया पैदा होगा में हुआ था नियो नाजी तो बटालियन आए थे, वह चीज भारत में सीधे सीधे भले ही ना नजर आए अभी, क्योंकि हमारे उस तरह से नेटो और यूएसए का प्रदान नहीं, आज भी हमें दिख रहा है जिस ढंग से वो हो रहा है, और यह दोनों क्षेत्रों में भयानक है। आवाज आवाज में कुछ अंतिम राय जो खड़ा हो रहा है आंदोलन, उसके पीछे हमारे जो शक्तियां जो है वह क्यों इतने पीछे है, पे भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। जी आज जगदीप जी, क्या सेना का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है कहा जाए? नहीं, इस तरह अभी इतनी जल्दी इसमें नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से पक्ष अभी जानने बाकी हैं। एक योजना है, इस योजना के तहत इसका आगे क्या परिणाम, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ऐसी योजना जो इतने सेंसिटिव और इतने गंभीर मामले में अगर लाई गई है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि सेना के अपने जो बड़े अधिकारी हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनकी निरंतर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्ट्रेटेजीज पे बात होती है, नई डेवलपमेंट पे नए अनुसंधान होते हैं, है ना, और बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिनके ऊपर वहां निरंतर विचार विमर्श होने के बाद ही ऐसे कोई नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस मामले में शायद कुछ लोगों के ऐसे टिप्पणियां सामने आई हैं या विचार सामने आए हैं कि इस प्रकार के कोई आकलन या विवेचनाएं या समीक्षाएं ना करके इस तरह की एक नीति को लाया गया है, और ये नीति किस प्रकार से पूरे संगठन को प्रभावित कर सकती है, और संगठन को प्रभावित केवल फिजिकल तौर पे नहीं, मॉरल तौर पे भी, इंटीग्रिटी के तौर पे भी, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सेना की सेवाएं को सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाता है ना, तो वो उनके आकलन होने, उनकी विवेचना होनी अभी बहुत आवश्यक है, और उसपे कई पक्ष आने बहुत आवश्यक हैं, उसके बाद ही कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है। देखिए अभी 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 एक एक अभी अभी एक बयान आया है हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो उसमें कहीं बता रहे हैं कि देखिए इसराइल ने किस प्रकार से सारे देश में मिलिट्री ट्रेनिंग करके एक देश को अच्छे से तैयार किया है, मजबूत किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं दूसरी तरफ दूसरे इशारे देने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको खुद नहीं मालूम। जी सचकान जी, कहा जाता है कि आरएसएस चाहता है कि सेना का जो है हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यकरण, और ये जो पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है कि चार साल बाद वो निकल आएंगे और इस तरह से एक बड़ी ताकत जो है, बड़ी हिंदुओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी, और जिसको भविष्य में आरएसएस अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो ये प्रशिक्षण का एक नया केंद्र बन गया है आरएसएस के जो सोचता था उसके लिए, क्या इस रूप में इसको देखा जा सकता है? देखिए ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि एक बड़े स्तर पर सेना के अंदर सेना का सांप्रदायिकीकरण बड़े स्तर पर अंदर से जारी है। एविडेंटली मैंने भी पर्सनली बहुत पहले से देखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट्स में, भर्तियों में लिस्ट जो है वो ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि जो लोग संघ से प्रायोजित विभिन्न प्रकार के अनुषांगिक संगठनों में युवा काम करते रहे हैं उनको सैनिक के रूप में और उनको वरीयता देते हुए उनको नियुक्तियां दिए जाने के तमाम अखबारों में और ऐसी रिपोर्टें रही हैं। तो जो एक जो हिंदुआइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट जो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय रक्षा प्रणाली का सांप्रदायिकीकरण, उसकी प्रक्रिया से
जैसा कि आप लोगों ने कहा कि होली काऊ नहीं है, वो तो है ही। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही कि जो सेना का निजीकरण वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदुआइजेशन का जो पूरा है वो एक फेस है जिसके जरिए वो एक एथनिक और एक मेजोरिटेरियन टर्न देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वास्तविक अगर इंटेंट देखें तो आरंभ से ही रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी पूंजी निवेश को, मुझे याद है कि जब इसराइल में मैं कुछ दिन जब वो शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई थी तो उन्होंने वहां की रक्षा कंपनियों के लिए वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने बाकायदा मैं सुन रहा था, व्यक्तिगत तौर पर सुन रहा था टीवी प्रोग्राम के जरिए, उन्होंने कहा कि मैं रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी पूंजी निवेश को हमने अनुमति प्रदान की है। तो इसका एक बेसिक इंटेंट है और आप इसको उससे लिंक करके देखें कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की बात या अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसमें 6 महीने 7 महीने पहले शेल कंपनीज बना करके, एक प्रकार की ऐसी कंपनी जो कभी नॉन एग्जिस्टेंट थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऑर्डिनेंस प्रोडक्शन के बहुत सारे जो उसके पार्ट्स हैं उनको उन कंपनियों को दिया गया जिनका की रक्षा उत्पादन का कोई अनुभव नहीं है। मैंने उस दौरान एक खुद जानकारी के लिए, निजी जानकारी के लिए मैंने पड़ताल की कि जो जो कंपनियां लाई गई हैं उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। उनमें से लगभग 70-80% इन कंपनियों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करके, जो कि रक्षा से संबंधित उत्पादन बनाती हैं, सामग्री बनाती हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो एक निजीकरण का एक बहुत बड़ा पहलू है और इसका संबंध सीधे तौर पर दूसरे सेक्टर से भी जुड़ता है। आप देखें कि सिविल सर्विसेज में भी लेटरल एंट्री, शिक्षा वीर कॉन्ट्रैक्ट, एजुकेशन में आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऑलरेडी देख रहे हैं। आप आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले वक्त में जुडिशरी में भी, ये मान करके चलिए अगर यही प्रक्रिया रही तो न्यायपालिका में भी ये ऐसे न्यायवीर ले आएंगे और ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी। और एक मित्र ने टिप्पणी की माफी वीरों से के वीर गाथा काल में इस तरह के वीर जैसे ऐसे वीर पैदा होते रहेंगे, तो इस बात की कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इसको अमरजीत जी विधायक हैं सीपीआईएमएल के बिहार में, अगर ये बताएं आज जो आंदोलन चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, ये क्या आगे बढ़ेगा और जब तक ये वापस नहीं लेती है सरकार अपने जो है अपनी घोषणा को, तब तक जारी रहेगा ये माना जाए और संगठित रूप लेगा? जी बिल्कुल, जो आंदोलन में जो तेवर हमने देखा इससे साफ लगता है कि आंदोलन अभी शांत होने की स्थिति में नहीं है और इस जरूर एक संगठित रूप लेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेना को निजीकरण करने की जो प्रक्रिया पहले शुरू हुई है आज हम देख रहे हैं कि उसको और तीव्र गति से सरकार बढ़ा रही है और उसी का एक हिस्सा है। दूसरी बात जो इसमें छिपी हुई है कि 4 साल के बाद जब नौकरी से लौट करके नौजवान आएंगे, बेरोजगार होंगे, और आपने जो दूसरी पहलू की बात कही उसकी भी एक आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों को बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इस उद्देश्य से भी इस पूरे प्लान को लिया गया है। ये मोदी सरकार की विभिन्न इंस्टीट्यूशन पर जो संघ का नेतृत्व स्थापित करने का, वर्चस्व स्थापित करने की जो कोशिश है उसमें सेना को भी पहले से ही उस आगोश में लिया गया है। तो कुल मिलाकर के और जिस तरह से देश में बेरोजगारी, तो एक बेरोजगारी का पीड़ा भी नौजवानों के अंदर है। और एक बात जो आ रही है कि आर्मी के माध्यम से बड़ी संख्या में नौजवान नौकरी का सपना देख रहे थे, तो सरकार उस दिशा में भी तो एक नया फरमान जारी कर दिया है ठेका प्रथा का। निश्चित तौर पे आक्रोश बहुत ही जबरदस्त है, भयानक है और इस मोमेंट में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा और सरकार को मजबूर करने की दिशा तक जा सकता है। जी जी प्रोफेसर रविंदर जी, क्या माना जाए कि समाज को बीजेपी तो खंडित कर ही रही थी, सपनों को भी अब खंडित कर दी है? देखिए, मैं जो जैसे पहले भी कहा, बीजेपी सांप्रदायिकरण और प्राइवेटाइजेशन हमेशा से पूरी तेजी से कर रही है। ये फौज के अंदर जो ठेका प्रथा है ये उसका अंग नहीं है। मुख्य बात इसकी ये है कि ये नई तकनीक के हिसाब से ये फौजियों की भर्ती में कमी करना चाहती है और देश में अगर बेरोजगारी ना होती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज बेरोजगारी के दौर के अंदर ये जो है ये मामला भड़का है। उदाहरण के मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ, तकनीक के अंदर
महीने भर से यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है। नाटो वाले सब कूद कूद के कर रहे हैं और लड़ाई को बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन एक भी फौजी उन्होंने नहीं भेजा है। मतलब मेरा ये कहना है कि तकनीकी इस्तेमाल होने के साथ साथ, एक समय के साथ साथ फौजियों की, सड़क के फौजियों की जरूरतें कम हो गई हैं। और सरकार जो है आज के समय में बेरोजगारी के दौर के अंदर इस काम को ये होशियारी से करना चाहती है, क्योंकि ये धनियों पर टैक्स नहीं लगाना चाहती है। तो पुराना जो आश्वासन था उस आश्वासन से हट करके ये अग्निवीर की योजना ले आई है। इस अग्निवीर की योजना के अंदर इस देश के नौजवानों के साथ पुराने आश्वासन को हटा करके धोखा के रूप में देखना एक बड़ी बात है। जैसा गिल साहब ने कहा, यह मामला मुख्यतः आर्थिक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और सांप्रदायिकरण तो वो पहले ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अग्निवीर नहीं होते तो फौज का सांप्रदायिकरण नहीं होता, जुडिशरी का सांप्रदायिकरण नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि 100% FDI नहीं आती। वो काम तो उनका चल ही रहा है। ये एक पुराने वादे को लेकर के नया वादा करके लोगों को धोखा देना, जो बात कुशवाहा जी ने कही के लिए, गिल साहब ने कही थी कि लोग जो है महीनों महीनों तैयारी करते थे, निचले तबकों के लिए एक अच्छी नौकरी का एक साधन था, उसके ऊपर ये करना चाहते, इसीलिए ये गुस्सा है जी, और जी। ये जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि देखिए मैं उद्देश्य पर आया था कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। अगर दूसरा टॉपिक था, मैं अगर पूछूं सीधे तौर पर, क्योंकि दुनिया में इसमें मर्सिनरीज का एक दौर चल रहा है, वो सरकारें, वो कॉरपोरेट अपने अपने प्राइवेट फौज बनाए हुए हैं। मुझे बताया गया कि ये जो अफगानिस्तान में पूर्व जो राष्ट्रपति हैं, उनके पास जो है हजारों की संख्या में इस तरह के फौजी हैं, और वो उसके बल पे वहाँ टिके हुए हैं, उसकी जरूरत है, उसको उसको पैसे पर भेजते हैं और किराए पर भेजते हैं और उसके उससे मुनाफा कमाते हैं। इसी तरह की कोशिश भारत में भी कॉरपोरेट के जरिए, क्योंकि विदेशों में जो कैपिटलिस्ट कंट्री जो अपने जो है जो सैनिक है वो नहीं मरवाना चाहती, बाहर से ले आके खरीद करके वो मोर्चे पर भेजेंगी और वहां जो लड़वाएंगी। क्या इस तरह की भी एक कोशिश हो सकती है भविष्य में? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। वाईएस गिल साहब आपसे शुरू करते हैं। ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि जैसे यूक्रेन में भी आ रहा है, वो को नाजी मर्सनरीज लड़ रहे हैं, ऐसे ही ये मर्सनरीज की फौज तैयार करेंगे और ये व्यापारी लोग पैसा कमाने के लिए कर सकते हैं। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। गिल साहब, ये मर्सनरी वाला एंगल तो है इसमें, मर्सनरीज क्रिएट होंगे जब लड़के होंगे जो ट्रेंड होंगे, कम से कम हथियार कुछ चलाने में ट्रेंड हो जाएंगे, तो उनका इस्तेमाल बाहर हो सकता है, वो बाहर जा सकते हैं। जैसे अमेरिका में जो वेटरन्स हैं वो जाते हैं, और जगह से जाते हैं जो फौज में पहले रह चुके हैं, तो ये तो होगा ही, ये उसका पहलू एक अलग है। पर सवाल है, जिस तरह से संधू साहब ने कहा कि इतनी बड़ी पॉलिसी डिसीजन रातों रात नहीं ली जाती है, जिस तरह से आपने कभी लोग को नोटबंदी कर दी, कभी GST ले आए, कभी अग्निपथ ले आए, कभी अग्निपथ ले आए, कभी कुछ ले आए, मैंने इस पर डिस्कशन होना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए था, इस पर कमिटीज पर बननी चाहिए थी, एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए था, रातों रात प्लान नहीं बनाया जा सकता। और खासतौर पर इस तरह फौज जैसे सेंसिटिव एरियाज में अगर हम काम करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। मगर मुझे लगता है ये जो हमारे नौजवान हैं जो अभी रोड पर निकल आए हैं, अब शायद सरकार को वापस लेना पड़ेगा, कम से कम कुछ हद तक इस चीज वापस लेके इसको फिर से रीफ्रेम करना पड़ेगा, क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीप जी, इस पर आपका क्या कहना है? अब आखिरी दौर में है अब। जगदीप जी, हरियाणा में जो हो रहा है वो भी थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं हरियाणा में, जो रेवाड़ी है, जो अहिरवाल क्षेत्र है, और अहिरवाल क्षेत्र के लिए बता देता हूं कि रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़, नारनौल, ये वो क्षेत्र है, उसके बाद रोहतक, जींद, ऐसा क्षेत्र है हरियाणा का जो मध्य भाग है ना, भिवानी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत से लोग आर्मी में हैं और हमेशा से जाते रहे हैं, और यहाँ के जो युवा हैं उनका, उनकी आकांक्षा, अपेक्षा और उनका जो ध्येय है जीवन में, वो ज्यादातर आर्मी की तरफ और भारतीय सेना में जाने का रहता है। आज वहां प्रदर्शन हुए हैं सभी जगह पे, और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं या वीडियो के कुछ ऐसे क्लिप्स आए हैं, उसमें ये सामने आ रहा है कि रेवाड़ी के अंदर जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज किया गया, कुछ हवाई फायर होने के भी, अब वो कन्फर्म्ड वही का वीडियो है ये नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में आया लाठीचार्ज हुआ है। उधर पलवल के लिए जो नेशनल हाईवे है
जो मथुरा को कनेक्ट करता है या उत्तर भारत को मध्य भारत से कनेक्ट करता है, वहां का अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि वहां इंटरनेट सेवाएं सब बंद कर दी गई हैं, वहां जाम की स्थिति बताई जा रही थी। उसके अलावा फिर आज रोहतक की एक और खबर आई है जिसमें युवा ने हताश होकर आत्महत्या कर ली है, और दूसरे भी और इलाके हैं जहां काफी प्रदर्शनों की और असंतोष की खबरें उठने लगी हैं। अब ये कल तक कितना ज्यादा, कितने लोग गांव के स्तर पे या दूसरे और ग्रामीण स्तरों पे आगे बढ़ते हैं या आते हैं, वो देखने वाला होगा। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि भारतीय सेनाओं में जाने का और भारतीय सेनाओं में ये भर्ती का, तो ये आप देख लीजिए कि पिछले जितने भी समय में जितनी भी भर्तियां होनी चाहिए थी, और केवल मात्र ये कह देने से कि हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए या जो इसमें एक बैलेंस करना है, बहुत सा पैसा तनख्वाहों में और उनकी पेंशन में चला जाता है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस इसके आधार हैं और ये कोई ठोस ऐसे तर्क हैं जिनके ऊपर कुछ कहा जाए या समझा जाए। जहां तक भारत की आज की परिस्थितियां हैं और जो आज की चुनौतियां हैं उनको देखते हुए भारत के लिए और ज्यादा सेना की आवश्यकता हो सकती है और रहेगी। जी अमरजीत जी, अगर आपसे पूछें क्यों कहा जा रहा है कि दो साल जो है कोरोना के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई, पूरा रुका हुआ था मामला, और इस बीच लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ी है, लोग जो अपने घरों की ओर वापस लौटे हैं, एक आशा का केंद्र हुआ करता था जो सेना में भर्ती जो है, और ऊपर से जब फैसला हुआ तो पता चला वो चार साल के लिए भर्ती होगी और जो सपने थे वो बिखर गए, एकाएक विस्फोट का ये भी एक कारण हो सकता है जो विस्फोट हुआ है। अनम्यूट रुकिए, जरा आपको अनम्यूट कर दें। जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एक बड़ा सपना युवा पीढ़ी को रोजगार के सवाल पर दिखाने का काम किया था, और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, पूरे युवा पीढ़ी को भारी उम्मीद थी सरकार से, तो विभिन्न सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार नौकरियां छीनी गई हैं, नई बहालियां हुई नहीं है, नौकरी मिला नहीं है, और दूसरे तरफ एक जो आशा की किरण नौजवानों को और खास करके ग्रामीण इलाकों में हम लोग देखते हैं अपने यहाँ कि नौजवानों के अंदर एक सेना में जाने का जो आकर्षण है, उसके पीछे जो दो एंगल है, तो रोजगार ही प्रमुख सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ उनके भीतर एक ये भी रहता है कि हम आर्मी में जाकर के देश का सेवा करें, ये पूरी भावना से लैस होकर के वो गाँव गाँव में तैयारियां करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर सरकार इस तरह के फैसले लाई है, दो साल तक एक भी सेना में भर्ती नहीं होना और पूरे देश के भीतर लगातार नौकरियां समाप्त करना, सरकार जनता के नौजवानों के विश्वास के साथ विश्वासघात करते रही है, तो ऐसे में अगर ये फैसला आया है तो एक विस्फोट का कारण ये भी है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा विस्फोट है। पिछले दिनों रेलवे में भर्ती को लेकर के आपने देखा कि बड़ा विस्फोट हुआ था, सरकार को बहुत सारा मैनेजिंग करने की कोशिश करना पड़ा, दिल्ली तक की सरकार को मैंने बैकफुट पर सरकार आ गई थी, तो हम समझ रहे हैं कि इस सवाल पर भी सरकार को बैकफुट पर आना है, आज आ रही है, और ये आंदोलन आगे बढ़ने की पूरी संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि एक हाँ जी एक पूरा जी। का पूरा अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णकांत जी, अगर बोले कि कल जो है घोषणा हुई, आज जो है पूरा विरोध हो गया, और जिस तरह का विरोध है उसको सरकार जो है दरकिनार नहीं कर सकती है, अब ऐसे में रास्ता क्या बचता है सरकार के पास? सरकार तो जहां तक मैं समझता हूं तुरंत वापसी नहीं करेगी, ये बहुत जिद्दी सरकार है, फांसीवादी सरकार है, आसान नहीं है। हाँ, जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा, जो भड़का है और ग्राउंड लेवल पर हम इस पर काम करना शुरू करें और यदि पहले से तैयारी हो तो हम उसी तरह से इसको कुछ हद तक झुका सकते हैं जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, हालांकि उसकी अभी इमीडिएट संभावना नजर नहीं आ रही है, एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी तभी होगी। एक मैं छोटा सा बात और अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, जो आप लोगों ने टेक्निकल वर्सेस जो आर्मी की बात की, नंबर ऑफ फौजीज की बात की, भारत में ऐसा टेक्निकल एडवांसमेंट कुछ नहीं हुआ है। यदि पैदल सेना के जगह पे आप मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बात करते हैं या आर्मर्ड व्हीकल की बात करते हैं,
एयरफोर्स की तरफ से उस तरह के हेलीकॉप्टर, ताकि पूरे जो माउंटेन ब्रिगेड है उनको हम हेल्प कर सके, या नेवी में भी इस तरह की करें। हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ जिसे चीन ने पिछले करीब 2 से 2.5 दशकों में किया, हमारे यहाँ नहीं बढ़ा। रूस में, रूस की जो सेना जो पीछे हटी है कीव और नॉर्थ में जगह का नाम भूल रहा हूं, जो भी हो वहां से जो पीछे हटी है खारकोव से, उसका कारण था पैदल सेना की कमी होना। हालांकि टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण वह पूरा कर पा रही है, फिर से वापस पहुंची। भारत के पास ऐसी ताकत नहीं है, और स्पेशली जब दो दो फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, और यह 4 साल वाली इसको हमारी भारतीय सेना कमजोर कर देंगे। हाँ, मैं चाहूंगा कि जहां भी जिस ढंग से हो, यदि यह एक आधार मिला है जनता को, फिर से युवाओं को, बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को, खासकर दिल्ली और आसपास के राज्यों के, क्योंकि उन्हीं के बच्चे ज्यादा फौज में है। आपने शुरू में ही कहा था उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जहां की है, वहां से भी लोगों को यदि जोड़ सके और हमारे जो साथी है वहां के करें, और इसको करें तो हम सरकार के केवल इसी पर नहीं बैकअप पलाएंगे, बट कम्युनलाइजेशन जो हो रहा है फौज का, न्यायालय का, पुलिस का, उस पर भी हम उसको पीछे धक्का दे सकते हैं, और आगे के लिए एक बेहतर भारत के लिए हम कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी सवाल पे 30-30 सेकंड में, ये आंदोलन जो है क्या रूप लेगा? क्या सरकार पीछे हटेगी, या कोई एक बड़ा संगठित जो किसानों आंदोलन चला तो उस तरह से नौजवानों को भी खड़ा करना होगा, तभी वो झुका पाएंगे, किस रूप में देखा जाए? 30-30 सेकंड में शशिकांत जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण बात यही है कि कोई पॉलिटिकल कोर नहीं है, क्योंकि एक स्पोरेडिक, एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन है। तो जो स्पॉन्टेनियस या स्वतः स्फूर्त आंदोलनों में किसी प्रकार के संगठित संगठन का अभाव होता है, और वो अगर कोई एक अखिल भारतीय मोर्चा या इस तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना करके ये आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि ये महत्वपूर्ण है कि आंदोलन को इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से और एक संगठित रूप में आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये लड़ाई उनकी एक कॉरपोरेट भारतीय लोकतांत्रिक राज्य के निरंतर कॉरपोरेट स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये भूल रहे हैं हम लोग कि हिंदुस्तान के भारतीय राज्य का कॉरपोरेटीकरण हो रहा है, उसके अनुसार रक्षा क्षेत्र को भी उसके ढांचे में ढाला जाना है। अगर उससे लड़ाई लड़नी है तो एक संगठित लड़ाई होगी, और उसमें छात्र आंदोलनों को अन्य आंदोलनों के साथ मिल करके काम करना। जी जी, प्रोफेसर रविंद्र गोयल जी। जी प्रोफेसर रविंद्र गोयल जी, प्रोफेसर कांत जी ने कहा है वो बात सही है, और आगे ये आंदोलन बढ़ सकता है, परंतु जो बात है वो ये कि संगठन के अभाव में इसका क्या भविष्य होगा अभी देखना मुश्किल है, लेकिन बढ़ने की जमीन मौजूद है। जी गिल साहब, गिल साहब, जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन था, किसान जो है, किसान भी अगर इसके पीछे आते हैं, इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं, और साथ ही दूसरे नौजवान जो है जो बेरोजगारी लड़ रहे हैं, उस पर भी काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं, अगर वो एक आंदोलन से एक साथ जुड़ते हैं, तब शायद कुछ इसका डेंट हो सकता है, तब शायद सरकार को झुकाया जा सकता है। जी जगदीप जी, जगदीप जी, देखिए आंदोलन हमेशा भारत में होते रहे हैं, और आंदोलनों में बहुत से ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनका कभी कोई नेतृत्व हुआ नहीं, बाद में इवॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि ये आंदोलन अगर होता है या इस प्रकार से आक्रोश सभी जगह फैलता है और वो आंदोलन का कहीं रूप लेता है, तो इसमें स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ इवॉल्व हो जाएगा, है ना। उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मोर्चे की आवश्यकता। जी जी, अमरजीत जी, कहा जा रहा है कि अभी स्फूर्त आंदोलन है, हिंसा भी हो गई है, लेकिन जब कोई आंदोलन बड़ा बनता या दबाव बनाना होता है तो उसको संगठित होना होता है, अहिंसक होना होता है। ऐसे में क्या भविष्य में कोई संभावना आप देख रहे हैं कि संगठित रूप लेगा या इसी तरह बिखर जाएगा? बिल्कुल ये संगठित रूप लेगा, और आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं, और इस आंदोलन को छात्र नौजवान का संगठन भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नेतृत्व देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक लंबा चलने के बाद निश्चित तौर पे इस पर नेतृत्व सामने उभरेगा और इस संगठित रूप ले लेगा। मुझे लगता है कि इसी तरह से नहीं रहेगा, संगठित रूप लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने कोशिश की इस पक्ष पर विभिन्न एंगल से बात करने की, अलग अलग एंगल से बात आई है, और अंत में जो बात हम लोगों की रुकी है वो जाके आंदोलन के रूप को लेकर के रुकी है, और सरकार क्या इस पर झुकेगी, फैसला वापस लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या ये आंदोलन आज स्वतः स्फूर्त था, उसमें हिंसा भी हुई है, लेकिन
कोई भी एक जो आंदोलन अपना दबाव बनाना चाहता है उसको एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करना होता है, देखना होगा वह ऐसा कोई रूप ले पाता है या नहीं। लिहाजा हम लोगों को उस पर नजर बनाए रखनी होगी। आप सभी मेहमानों का जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके कृष्णकांत जी और अमरजीत कुशवाहा जी पहली बार इस मंच पर आए उनका शुक्रिया हमारी तरफ से, जनचौक की तरफ से धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी जो लगातार हम लोग पास बने हुए थे उनका भी शुक्रिया। कल फिर हम लोग इसी समय इसी जगह पर 7 बजे मिलेंगे और किसी दूसरे टॉपिक पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।